विद्वानों ने कई भागों में बांटा है, सबके अलग अलग मत हैं, जिसमें सबसे पहले समाजशास्त्र के एकेडमिक समाजशास्त्री जिसको कहा जाता है, जिन्होंने समाजशास्त्र को व्यवस्थित वैज्ञानिक और रेपुटेटेड साइंस बनाने का प्रयास किया, फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमैनुएल दुर्खीम। दुर्खीम ने अगस्त कांट के बाद, जिनको कांट का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है, उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को कुल तीन भाग में बांटा है। देखिए, जैसे दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को तीन भाग बांटा है, कौन कौन सा? मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी। मतलब सबसे पहला है सामाजिक आकार शास्त्र, फिर सामाजिक शरीर शास्त्र, फिर सामान्य समाज शास्त्र। उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं जींस वर्ग, ये भी इनसे मिलते जुलते ही हैं। इन्होंने तीन की जगह चार भाग बांटा है। पहला है सोशल कंट्रोल, फिर सोशल मॉर्फोलॉजी, फिर सोशल प्रोसेस, फिर सोशल व्याधिकी। कुल मिला के सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक आकार शास्त्र, सामाजिक प्रक्रियाएं और सामाजिक व्याधिकी, ये चार रूप में बांटा है जींस वर्ग महोदय ने। इसके बाद तीसरे नंबर पे हैं सोरोकिन। सोरोकिन की बुक का नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी कंटेम्पोररी सोशियोलॉजी, कंटेम्पोररी सोशियोलॉजिकल इंडिया। इसमें उन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्र के विषय वस्तु को कुल तीन भाग में बांटा है। पहला सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन, दूसरा सामाजिक और असामाजिक घटनाओं के संबंधों का अध्ययन, और तीसरा है समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन। इस तरह से कुल तीन राइटरों का हो गया। अब इसके बाद बचे कार्ल मैनहीम। कार्ल मैनहीम, जिनको ज्ञान के समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, इन्होंने बुक भी लिखा था एक आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, जो काफ़ी फेमस हुई थी, अक्सर करके कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। इन्होंने समाजशास्त्र को की विषय वस्तु को सब्जेक्ट मैटर को कुल दो भाग में बांटा था। किसने? कार्ल मैनहीम ने। पहला था व्यवस्थित और सामान्य समाजशास्त्र, दूसरा ऐतिहासिक समाजशास्त्र। इसके बाद हमारे फादर ऑफ सोशियोलॉजी अर्थात अगस्त कांटे का नंबर आता है। अगस्त कांटे ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को कुल दो भाग में बांटा था, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिशीलता। इसके बाद बचे हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने भी दो भाग में बांटा था, सामाजिक संरचना और राजनीतिक संगठन। इसके बाद आपके जॉर्ज सीमेल आते हैं, जिनको स्वरूपात्मक समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने आकार के आधार पर समाजशास्त्र को कुल तीन भाग में बांटा था, एकल, द्विक और त्रिक। इसके अलावा इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में कुल तीन भाग में बांटा था, पहला सामान्य समाजशास्त्र, दूसरा स्वरूपात्मक समाजशास्त्र और तीसरा दार्शनिक समाजशास्त्र। अब तक कुल आपने सात समाजशास्त्रियों का वो पढ़ा। उसके बाद रूटर और हार्ट, इन्होंने तीन भाग बांटा है, विरासत, व्यक्तित्व और प्रक्रियाएं। इसके बाद किंग्सले डेविस हैं, जिन्होंने, इनकी बुक काफ़ी फेमस है और अक्सर पीजीटी और हायर वगैरह में पूछी जाती है। इनकी बुक का नाम है ह्यूमन सोसाइटी, नेट की परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। तो किंग्सले डेविस ने समाजशास्त्र की सब्जेक्ट मैटर को, विषय वस्तु को कुल पाँच भागों में बांटा था, पहला सामाजिक संरचना, दूसरा सामाजिक कार्य, तीसरा सामाजिक अंतःक्रिया, नंबर चार व्यक्ति और उसका समाज, और पाँच नंबर पे है सोशल चेंज अर्थात सामाजिक परिवर्तन। अब इसके बाद बचे अलेक्स इंकेल्स, इनका लगभग हर बार पीजीटी की परीक्षा में इनकी बुक का नाम पूछा जाता है। इनकी बुक का नाम काफ़ी पॉपुलर और फेमस है, उसका नाम है व्हाट इज सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र क्या है। इस बुक में इन्होंने समाजशास्त्र के कुल तीन पथ बताए हैं, जिसमें पहला है ऐतिहासिक समाजशास्त्र, दूसरा अनुभवासी समाजशास्त्र, तीसरा विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र। तीनों में इन्होंने पूरा समाजशास्त्र की विषय वस्तु को अंगीकृत कर दिया है। और उसके बाद अगले राइटर हैं टानीज, इन्होंने समाजशास्त्र को कुल तीन भाग विषय वस्तु को बांटा है, पहला है शुद्ध सैद्धांतिक समाजशास्त्र, दूसरा व्यवहारिक समाजशास्त्र और तीसरा अनुभवात्मक समाजशास्त्र। इसके बाद एल एफ वार्ड हैं, वार्ड महोदय, जिन्होंने अमेरिका में समाजशास्त्र की शिकागो में काफ़ी अच्छे से प्रचलन किया था, पढ़ाया था। इन्होंने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को दो भाग बांटा है, शुद्ध समाजशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र, और दोनों बुकें भी लिखी हैं इस पर, जैसे प्योर सोशियोलॉजी और अप्लाइड सोशियोलॉजी बुक भी इन्होंने लिखा है और इसको दो भाग में बांट भी दिया है। इसके अलावा आपके बचे केरन्स महोदय, सबसे ज़्यादा पार्ट इन्होंने ही किया है। इन्होंने कुल समाजशास्त्र की विषय वस्तु को छः भाग बांटा है, पहला है मानवीय क्रियाएँ, दूसरा सामाजिक संगठन, तीसरा सामाजिक संस्थाएँ, नंबर चार सामाजिक नियंत्रण, फिर सामाजिक परिवर्तन और छठा नंबर पर है सामाजिक संहिताएँ। इस तरह से इन लोगों ने मिलकर के समाजशास्त्र की पूरी विषय वस्तु को इतने सारे भागों में बांट के रखा है और दर्शाया है कि समाजशास्त्र
का हम इस तरह से अध्ययन कर सकते हैं। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी आपको मैं इसके पहले पढ़ाई चुकी थी, जिसमें कई सारे संप्रदाय थे, यांत्रिक, भौगोलिक, जैव। यांत्रिक संप्रदाय में आपके देखिए हाब्स, बैगेल और बर्कले आते हैं। भौगोलिक संप्रदाय में सब लोग जानते ही हैं हटिंगटन, मॉन्टेस्क्यू, बकल, लिपले, रेटजल, सोरोकिन, रेटजल तक आते हैं। सोरोकिन और स्पेंसर आपके जैव संप्रदाय में आते हैं। और जीव या सामाजिक या जनांकिकी संप्रदाय में आपके माल्थस और सैडलर आते हैं। माल्थस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। माल्थस ने अपनी काफ़ी पॉपुलर बुक उनकी है 1798 में, जिसको लिखा था एन एस ए एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। उसमें उन्होंने जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इसमें जनसंख्या को बताया कि जनसंख्या ज्यामितिक क्रम में बढ़ती है 1, 2, 3, 4, 5 के अनुपात में, जबकि खाद्य सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है। इस तरह से अगर इन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या और इसी तरह बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब अगले 25 वर्षों में जनसंख्या दुगनी हो जाएगी, और अगर लोगों ने अपना प्रयास जारी नहीं रखा तो जनसंख्या कंट्रोल करने का, तो वह दिन दूर नहीं जब जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। और सैडलर ने कहा था कि जैसे जैसे रहन सहन का स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है। इस तरह से अब तक आपने देखा कि समाजशास्त्र की स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, और उसके बहुत स्टार्टिंग वाले पहले वाले मैंने आपको मीन्स ऑफ सोशियोलॉजी और डिफिनीसन ऑफ सोशियोलॉजी बताया ही था। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, दैट्स ऑल, थैंक यू।